हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोन ऑनलाइन सॉल्यूशन में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड अ डोमेन ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हाउ टू फाइंड अ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फंक्शन डोमेन, और इसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था हाउ टू फाइंड अ डोमेन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे हाउ टू फाइंड अ डोमेन ऑफ अंडर रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर। तो शुरू करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। जैसा कि हमें दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब भी हमें डोमेन फाइंड करना होता है, हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो रूट के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, मान लो रूट के अंदर एफ एक्स फंक्शन लिखा हुआ है, तो रूट हमें यह बोलता है कि जो भी फंक्शन आप लिख रहे हो रूट के अंदर, वो हमेशा आपका जीरो से बड़ा या बराबर होना चाहिए, अदरवाइज फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब इसमें नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो जो भी आंसर आएगा वो जीरो से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो हमने बोला कि इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि इसका मतलब ये जो 4 माइनस एक्स इसका लिखा हुआ है, ये हमेशा जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर। तो हमने लिखा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब आप देख सकते हैं यहां पर हमने एक्स स्क्वायर जो है माइनस का लिखा हुआ है, पर हम चाहते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर हो माइनस का ना होकर प्लस का हो जाए, क्योंकि ये हमेशा प्लस का होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करते ही ये क्या हो जाता है, साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है, जीरो इंटू माइनस वन तो जीरो होता है। तो आप देखेंगे ये अपना फंक्शन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो। अब यहां से हम वैल्यू निकालेंगे एक्स की, तो इसको पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो। तो आप देखेंगे यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये बन गया आपका एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे वेवी कर्व मेथड, जिससे अपन इसका डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर अपन लिखते हैं इसको माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, यहाँ से हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आएगी, एक आएगा माइनस टू यहाँ से और एक आएगा प्लस टू यहाँ से। फिर हम यहाँ से राइट हैंड साइड पे लिखेंगे प्लस माइनस एंड प्लस। वेवी कर्व मेथड में क्या करते हैं, ये जो साइन है ये शो करता है कि जो आपका वैल्यू आएगा एक्स का हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए। इसका मतलब हमारा जो एक्स का वैल्यू आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, जहां पर हमको माइनस वाला वैल्यू दिख रहा है, माइनस का दिख रहा है। फ्रॉम दिस माइनस टू टू प्लस टू, मतलब अपना जो डोमेन आएगा एक्स, वो आएगा माइनस टू से प्लस टू, माइनस टू से प्लस टू के बीच में। उसका डोमेन क्या हो जाएगा आपका, एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू से प्लस टू, और ये आपका क्या है, डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। आई होप आपको आंसर क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।